नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आप देख रहे हो किसान मित्र 11 यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे शपथ के बारे में कि सोयाबीन के फसल में कितने प्रकार खरपतवार को नष्ट करेगा, कीमा डोज सोयाबीन के कौन से अवस्था में डालना सही रहेगा, सारी जानकारी को इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, शपथ पारिजात कंपनी का प्रोडक्ट है और इसमें टेक्निकल की बात करें तो सोडियम एक्सीफ्रूपेन 16.5% प्लस क्लोडिनाफा प्रोपाजाइल 8% इसी फॉर्मुलेशन में आ रहा है। यह सोयाबीन में आने वाले खरपतवार चौड़ा पत्ती सकरा पत्ती को अच्छा खासा कंट्रोल करता है, जैसे कि भट्टा हो गया, बारू हो गया, जंगली ज्वार हो गया, मकड़ घास हो गया, सफ़ेद मुर्गा हो गया, घोड़ा घास हो गया आदि को अच्छा खासा कंट्रोल करते हैं। शपथ को सोयाबीन के फसल में 15 से 25 दिन के अंतराल में छिड़काव कर देना चाहिए, जब सोड़ा पत्ती के खरपतवार 3 से 4 पत्ती का हो और सगरा पत्ती के खरपतवार 3 से 4 इंच का हो तभी इसका छिड़काव कर देना चाहिए। और छिड़काव करते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि हमारे ज़मीन में पर्याप्त नमी रहे, जिससे कि हमें परिणाम अच्छा खासा मिल सके। शपथ के साथ सिलिकॉन चिपकों का जरूर उपयोग करें, जिससे कि शपथ प्रभावी रूप से खरपतवार पर जाकर उसे अच्छा से नष्ट कर सके। शपथ कहीं बात नहीं, कोई भी अगर खरपतवार डाल रहे हैं तो उसमें साफ पानी का जरूर उपयोग करें, जिससे कि हमें परिणाम अच्छा खासा मिल सके। डोज की बात करें तो 400 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा और 400 ml का प्राइस 750 से 800 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।